न्यूज वॉइस जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। रेवाड़ी विधानसभा सीट से कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी चिरंजीव राव जहां भी जा रहे हैं वहीं पर उनका न केवल ढोल नगाड़ों और फूल मालाओं से जोरदार स्वागत हो रहा है बल्कि लोग उन्हें पलकों पर बैठाकर खूब मान सम्मान भी दे रहे हैं। अपने चुनावी जनसंपर्क अभियान के दौरान चिरंजीव राव अभी तक रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र के दर्जनों गांवों का चुनावी दौरा कर चुके हैं जहां हर गांव में पहुंचने पर उन्हें लोगों का भरपूर प्यार और समर्थन मिल रहा है। इसी के तहत चिरंजीव राव ने देर शाम शहर की कनॉट पैलेस कहलाने वाली पंजाबी मार्केट में एक चुनावी सभा को अपने पिता व पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव के साथ संबोधित किया। यहां पहुंचने पर पंजाबी मार्केट के व्यापारियों ने न केवल उन्हें भरपूर मान सम्मान दिया बल्कि यह भरोसा भी दिलाया कि वे पूरी तरह कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हैं। इस मौके पर चिरंजीव ने व्यापारियों को संबोधित करते हुए कहा कि व्यापारियों ने आज उन्हें जो मान सम्मान दिया है चुनाव जीतने के बाद वह सारा हिसाब किताब बराबर कर देंगे। वहीं चुनावी घोषणा पत्र में कांग्रेस पार्टी द्वारा व्यापारियों के लिए जो वायदे किए गए हैं कांग्रेस की सरकार बनने पर उन्हें प्राथमिकता के आधार पर लागू करते हुए व्यापारियों को राहत देने का काम भी कांग्रेस पार्टी द्वारा किया जाएगा। रेवाड़ी से न्यूज वाइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। नौ गांव के दौरे थे और हर जगह भारी जनसमूह लोगों का हर जगह मिला, अपार प्रेम लोगों का मिला। सारे बुजुर्गों ने, माताओं ने, नौजवान साथियों ने इतना जबरदस्त स्वागत किया ढोल नगाड़ों के साथ, बाइक रैली के साथ। मतलब कि ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम चुनाव में हैं, ऐसा लग रहा था जैसे विजय जलूस के रूप में हर गांव में हम पहुंचे हैं। मुझे तो ऐसा प्रतीत हुआ जैसे हम धन्यवादी दौरा कर रहे हैं, ना कि वोट की अपील कर रहे हो। देखिए, कांग्रेस पार्टी की तो हमेशा एक सोच रही है कि सभी वर्गों को साथ लेकर चले, चाहे बुढ़ापा पेंशन की बात हो। जो हमारी पार्टी ने फैसला किया है 5100 रुपये करेंगे, GST जो इन्होंने मुश्किल करी उसको आसान करने की एक चीज उसके अंदर करी है, उसके अलावा कर्ज माफी की एक बात कही है कि किसानों और मजदूरों का किसान कर्ज माफ होगा 24 घंटे में हमारी सरकार आते ही, जैसा राजस्थान में, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंदर हमारी पार्टी ने करा। उसके अलावा हमारी कोशिश ये रहेगी कि जितना हो सके लोगों के लिए सहूलियत जितना हो सके वो करा जाए। रोजगार की मांग तो हम पहले ही उठा रहे थे कि हमारी ये कोशिश रहेगी कि लोकल जो हमारे लोग हैं उनको 75% आरक्षण उसके अंदर मिले। महिलाओं की फ्री की बात हुई है कि बस के अंदर ना, रोडवेज बस के अंदर, मैं क्योंकि घोषणा पत्र पूरा पढ़ नहीं पाया हूँ जी, क्योंकि आज पूरे दिन मेरे कार्यक्रम थे तो मैं आपको पूरी उसकी जानकारी नहीं है, पर मुझे पता चला है कि भी फ्री जो बस यात्रा का भी एक इसके अंदर प्रावधान रखा गया है। देखिए, मुझे लगता है कि बड़ा ही खेदजनक कल कार्यक्रम हो रहा, आपस के अंदर बीजेपी के ही लोग जिस तरह से लड़ रहे थे इससे पता चलता है कि इनके अंदर कितने फाड़ हैं। इसके अलावा जेपी नड्डा जी की मीटिंग थी, वहां भी फीका वो कार्यक्रम था, इससे पता चलता है कि लोगों का मोह भंग हो गया बीजेपी की तरफ से और लोगों ने मन बना चुके हैं कि अब की बार कांग्रेस पार्टी को लाना है। आपने यहाँ भी देखा होगा कि कितने सारे व्यापारी भाई यहाँ पर आए और हर तरफ एक लहर सी चल पड़ी है कांग्रेस पार्टी की और लोग जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी की अकेली ऐसी पार्टी है जो सभी वर्गों के लिए काम करती है। जहां तक बात रही रणधीर सिंह कापड़ीवास जी की, उनको भी 6 साल के लिए निष्कासित किया है। वो ये बात कहते थे कि भाई अगर मैं विधायक बना तो मैं बीजेपी में चला जाऊंगा, तो अब वो उनके रास्ते ही बंद हो चुके हैं। अब सुनील राव जी की कहानी तो पहले ही खत्म हो गई थी, आज रणधीर सिंह कापड़ीवास जी की भी कहानी खत्म हो चुकी है।